फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला आज के इस वीडियो में फंडामेंटल्स ऑफ ई कॉमर्स का यूनिट थ्री का ये सेकंड पार्ट है इसमें हम लोग ई e बैंकिंग का मीनिंग डेफिनेशन टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड इनको देखने से पहले इनके फर्स्ट पार्ट को देखें ताकि ये पार्ट्स भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग ई बैंकिंग होता क्या है उनके डिफिनेशन्स क्या है मीनिंग क्या है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हैज़ मैनी नेम्स लाइक ई ई बैंकिंग वर्चुअल बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग जो ई e बैंकिंग है उसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कहा जाता है उनके बहुत सारे नाम्स हैं जैसे ई बैंकिंग वर्चुअल बैंकिंगस एंड ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है इन सभी नामों से ई e बैंकिंग को जाना जाता है इट इज़ सिंपली द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली नेटवर्क फॉर डिलीवरी डिलीवरिंग वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ये क्या है सिंपली एक इलेक्ट्रॉनिक एंड एक टेली नेटवर्क से जिनके द्वारा अलग अलग बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो है डिलीवर्स किया जाता है एक कंज्यूमर कैन एक्सेस हिज अकाउंट एंड कंडक्ट मैनी ट्रांजेक्शन्स यूजिंग हिज कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स एक यूज़र्स अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है और उसे कंडक्ट कर सकता है बहुत सारे ट्रांजेक्सन्स को बाई ई बैंकिंग से अपने मोबाइल्स के द्वारा अपने कंप्यूटर्स के द्वारा मीन्स जो भी आप ऑनलाइन जो आप अकाउंट्स के काम करते हैं जो अपने बैंकिंग्स का जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं ऑनलाइन काम करते हैं उसी को ही ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है आई होप कि आपको ई बैंकिंग जो है उनका मीनिंग समझ में आ गया होगा इतना ही आप एग्ज़ाम में लिख देना आपको फुल मार्क्स आ जाएगा इनके अब क्या क्या टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग पहला जो टाइप्स है इनका लेवल वन है दिस इज़ द बेसिक लेवल ऑफ सर्विस ये पहला बेसिक लेवल है सर्विस का दैट बैंक्स ऑफर थ्रू दियर वेबसाइट्स ये पहला ये सर्विस का पहला बेसिक लेवल है जो एक बैंक्स क्या करता है ऑफर्स करता है उनकी वेबसाइट्स पे थ्रू दिस सर्विस इस सर्विस के द्वारा द बैंक ऑफर्स इन्फॉमेस अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसज टू कस्टमर्स बैंक्स जो offers है ऑफर्स करते हैं इन्फॉर्मेश को ऑफर्स करता है उनके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग उनके सर्विसेज के रिगार्डिंग अपने कस्टमर्स को एंड लेवल टू पर क्या होता है कि बैंक्स अलाउ दियर कस्टमर्स टू सबमिट इंस्ट्रक्शंस और अप्लीकेशंस फ़ॉर डिफरेंट सर्विसेज लेवल टू में बैंक्स जो है अलाउ करते हैं अपने कस्टमर्स को इंस्ट्रक्शंस और अप्लीकेशन सबमिट्स करने के लिए उसकी अलग अलग सर्विसेज अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अप्लीकेशन सबमिट करने में चेक दियर अकाउंट बैलेंस उसके बैलेंस को कस्टमर्स के बैलेंस को जानने के लिए अकाउंट्स को चेक करने के लिए एक्सेस देता है ये बैंक लेवल टू पे एंड बैंक्स डू नॉट परमिट देयर कस्टमर्स टू डू एनी फंड बेस्ड ट्रांजेक्शन्स ऑन देअर अकाउंट्स लेवल टू में जो है बैंक्स अलाउ नहीं करता अपने कस्टमर्स को परमिट नहीं देता है किसी भी तरीके का फंड ट्रांसफर करने का किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन्स करने का उसके अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें लेवल थ्री पे होता है वह आगे हम लोग लेवल थ्री में पढ़ेंगे लेवल थ्री में है बैंक्स अलाउ देर कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स फॉर फंड ट्रांसफर्स बैंक्स जो है लेवल थ्री पे जाके अपने कस्टमर्स को अलाउ करता है उनके अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र करने का ऑपरेट करने का अलाउ करता है बिल पेमेंट्स एंड परचेज एंड रेडीम सिक्योरिटीज ए बिल पेमेंट्स करने का परचेज करने का रेडियम करने का इन सारी चीज़ों का एक्सेस करने का जो है अलाउ देता है बैंक्स लेवल थ्री पे तो ये था हमारा ई बैंकिंग का टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही सिंपल है बहुत ही इजी है एंड टाइप्स ऑफ बैंकिंग वेबसाइट्स और बैंकिंग का वेबसाइट्स का क्या टाइप्स होता है कितने टाइप्स का होता है बेसिकली जो बैंकिंग वेबसाइट्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं पहला है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स इस वेबसाइट्स पे सिर्फ आपको बैंकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स uh, और सर्विसेज से रिलेटेड ही इंफॉमेस uh, मिलता है जिसे इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स कहा जाता है अब देख लेते हैं कि लिखा क्या है दिस वेबसाइट्स ऑफर्स जनरल इंफॉर्मेश अबाउट दी बैंक एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स जो हम लोगों ने पहली जो हमने पहले आपको बताया कि ये वेबसाइट जो है बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशंस Uh, अपने ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड्स करता है बैंकिंग से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेश जो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है नंबर टू है ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स अब ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स पे क्या होता है कि दिस वेबसाइट्स अलाउ कस्टमर्स टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन्स ऑन द बैंकस वेबसाइट्स ये वेबसाइट्स जो है अपने कस्टमर्स को अलाउ करता है ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट करने का अपने बैंक के वेबसाइट्स पे अपने बैंक के वेबसाइट से दिस ट्रांजेक्शंस कैन रेंज फ्रॉम अ सिंपल रिटेल अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी टू अ लार्ज बिजनेस टू बिजनेस फंड ट्रांसफर्स ये ट्रांजेक्शंस जो एक रेंज पे सिंपल रिटेल अकाउंट बैलेंस को इंक्वायरी करने का और लार्ज बिजनेस टू बिजनेस अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने का इन सारी चीज़ों को क्या करता है अलाउ करता है एक्सेस करता है अब इनके इम्पोर्टेंस क्या है ई बैंकिंग के अब ई बैंकिंग के जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो देख लेते हैं हम लोग कि पहला जो इनके इम्पोर्टेंस है ई बैंकिंग का वो हम लोग पहले बैंकिंग के लिए देख लेते कि बैंकिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंस है तो फॉर बैंक बैंक के लिए देख लेते हैं पहला है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आर द चीपेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो भी ई e बैंकिंग के द्वारा जो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट मोड में ट्रांजेक्शन्स होता है बहुत जल्दी हो जाता है क्विकली हो जाता है डिजिटल रिकॉर्ड्स पेपर वर्क एंड मेक द प्रोसेस ईजियर टू हैंडल डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है वो वर्क को रिड्यूस करता है और एक प्रोसेस को जो प्रोसेस है ट्रांजेक्शन्स का उसे ईजी बनाता है और हैंडल uh, करने में भी ईजी करता है नंबर थ्री है सिंस ई बैंकिंग सर्विसेज आर कस्टमर्स फ्रेंडली ई बैंकिंग आने से सर्विसेज जो हैं कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया फ्रैंकली हो गया है बहुत ज़्यादा इजीली हो गया है बैंक्स एक्सपीरियंस हायर लॉयल्टी फ्राम इट्स कस्टमर्स और जो कस्टमर्स को है बैंकिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया और वो लॉयल्टी से अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस को इन्जॉय करता है देख लेते हैं कि एक कस्टमर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंस है ई बैंकिंग कस्टमर्स कैन एक्सेस हिज अकाउंट एंड ट्रांजेक्ट फ्राम एनी वेयर ट्वेंटी फोर आवर्स इन टू सेवन डेज इन थ्री सिक्सटी फाइव डेज एक कस्टमर जो है एक्सेस कर सकता है अपने अकाउंट्स को और ट्रांजेक्शन्स कर सकता है कहीं भी कभी भी दिन के चौबीसों घंटे सातों दिन मतलब कभी भी अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स जो है कर सकता है एक्सेस कर सकता है वो सिंस द कस्टमर डज नोट हैव टू विजिट द ब्रांच फॉर एवरी ट्रांजेक्शन्स कस्टमर्स को हर ट्रांजेक्शन्स के लिए हर ट्रांजेक्शन्स करने के लिए उसको ब्रांच विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इट सेव्स ही बोथ बोथ टाइम एंड मनी ये दोनों चीज़ों को सेव करता है टाइम uh, को भी साथ ही साथ मनी को भी सेव करता है जोग्राफिकल डिस्टेंसेस कुड हैम्पर सर्टेन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जो जोग्राफिकल जो जो डिस्टेंस के कारण जो भी बैंकिंग uh, ट्रांजेक्शन्स में कमी आता था जो भी दिक्कतें होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ई बैंकिंग होने के कारण हावेवेर जबकि विद बैंकिंग जोग्राफिकल बैरियर्स आर रिड्यूसड इसीलिए जो है ई बैंकिंग के आने से जोग्राफिकल जो बैरियर्स था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है फॉर बिजनेस अब बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंस है ई बैंकिंग पहला नंबर है बिज़नेस ऑनर्स एंड स्टाफ मेंबर्स कैन एक्सेस द अकाउंट्स क्विकली यूजिंग इन ऑनलाइन बैंकिंग जो बिजनेस ऑनर्स है और जो स्टाफ है स्टाफ मेंबर्स है वो एक्सेस कर सकता है अपने अकाउंट्स को क्विकली अपने ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ करके जहाँ की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नंबर टू है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इम्प्रूवस प्रोडक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक जो ई e बैंकिंग है वो अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता रहता है नंबर थ्री है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हेल्प्स रिड्यूस एरर्स इन रेगुलर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है वो हेल्प्स करता है एरर्स को रिड्यूस करने में रेगुलर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में नंबर फोर है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रोवाइड्स आर डिजिटल फुटप्रिंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज हु हैव द रट टू मोडिफाई बैंकिंग एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंगस जो है वो प्रोवाइड्स करता है डिजिटल फुट प्रिंट्स ठीक है जो जो आ, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए जो आ, जिसको राइट से मॉडिफाई करने का बैंकिंग एक्टिविटीज़ को तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक ई बैंकिंग उनके हम लोगों ने मीनिंग डेफिनेशंस भी देख लिया टाइप्स भी देख लिए बैंकिंग वेबसाइट्स के कितने टाइप्स है वो हम लोगों ने देख लिया उनके इम्पोर्टेंस देख लिए ई बैंकिंग के तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं मैं उसे दोबारा से समझा दूंगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और अपने चैनल्स को सब्सक्राइब करें इसी तरीके से सपोर्ट्स करते रहें थैंक यू सो मच इनके नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट जो यूनिट हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए आप लोग चैनल पे बने रहें थैंक यू सो मच